सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि नंबर जो थ्योरी जो TYBSE लेवल का है पुणे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ये जो थ्योरम है, थ्योरम इन द सेंस जो आपको ये चीज़ दिख रही है, इसका आज को मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि कैसे जो है इसको। सबसे पहले इसका प्रूफ देने से पहले आपको इसमें का हर एक एलिमेंट्स को समझना होगा कि एलिमेंट्स इसके जो इन्वॉल्व हुए है, हर एक एलिमेंट जो इन्वॉल्व हुए, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पाए है, डी है, एन है, तो आपको हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा एन है, ये हमारा कोई भी एक नंबर इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो डी है, वो डी हमारा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके होंगे, एन के होंगे, ठीक है। और जो इसमें आप कैपिटल जो बड़ा सा पाए देख रहे हैं, एक्चुअली में ये प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा समेशन के लिए हम जो एडिशन के लिए हम समेशन लगाते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट के लिए हम लगाते हैं बड़ा सा पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पाए का एक्सप्लेन बताता हूँ, एग्जांपल देखिए कि पाए कैसा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मान लीजिए हमारे पास पाए, मैं बोल रहा हूँ एन, हाँ, और उसमें जो ऑपरेट होगा वो एन होगा, और एन रन करेगा 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 ……… 10। तो ये प्रोडक्ट डिफाइन करेगा ये पाए, इसका मतलब ये पाए का मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं तो ये होता है। अगर यहाँ पे सम्मेशन आता तो आप सिंपली यहाँ पे एडिशंस करते, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइजर्स देखेंगे, हम डिवाइजर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हम मान लेते हैं हम एन हमारा इस टाइम पे 4 है, ठीक है। तो डिवाइजर्स ऑफ 4 मतलब क्या, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4। तो सबसे पहले हम डिवाइजर्स ले लेंगे, 4 के डिवाइजर्स क्या क्या है, ठीक है। 4 के डिवाइजर्स है, 1 है 4 के डिवाइजर्स, 2 है 4 का डिवाइजर, और 4 इट्सेल्फ, ये 3 ही है। तो टोटल कितने नंबर हो गए डिवाइजर्स 4 के, सो हमारा जो डी ऑफ 4 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो डी ऑफ 4 हमारा हो जाएगा 3, तो इसका मतलब ये हो गया। तो हमने सक्सेसफुली डिवाइजर्स देख लिए, हमने क्या है, हमें प्रूफ करना था पाए डी डिवाइड्स एन डी विच इज इक्वल्स टू एन टू द पावर डी बाय एन होल बाय 2, ठीक है। अब हमें पाए का टर्म पता चल गया है, हमारा जो डी है वो हमें पता चल गया डिवाइजर है, और जो हमारा डी पता चल गया, बस हमें सब सारे टर्म्स इसमें जो इन्वॉल्व है वो पता चल गया। असल में देखा जाए तो 1, 2, 3 ही टर्म्स हैं इन्वॉल्व। तो इसको हम प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये जो है स्टेटमेंट, मतलब जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फंक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम पहले हम एक एग्जांपल से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम इसके प्रूफ पे चलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एन की वैल्यू 4 सपोज, ठीक है, एन की वैल्यू 4 है, तो डी ऑफ एन क्या हो जाएगा, हमने पीछे निकाला डी ऑफ एन हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे हम LHS, ये LHS पार्ट, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पर कंसिडर करेंगे, तो डी एंड डी डिवाइड्स एन, दैट इज पाए डी डिवाइड्स एन, एन हेयर इज 4। इसका मतलब हो जाएगा हमें ना सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। तो 4 के डिवाइजर्स हमने निकाले थे, 1 था, 2 था, और 4 इटसेल्फ था, तो टोटल इसका मतलब हो जाएगा 1 × 2 × 4, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, दैट इज 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, आंसर इज 8। तो ये जो हमारा आया LHS पार्ट आया। अभी हम RHS पार्ट देखेंगे, सो RHS पार्ट है हमारा n टू द पावर डिवाइजर्स ऑफ n बाय 2, ठीक है, दैट इज n हमारा 4 था और d ऑफ n हमने निकाला था, दैट इज d ऑफ 4 बाय 2, सो 4 d ऑफ 4 मतलब क्या, डिवाइजर्स ऑफ 4 हमने ना, 4 डिवाइजर्स ऑफ 4, दैट इज हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4, तो 4 के डिवाइजर्स कौन कौन थे, 1 था, 2 था और एंड 4 था, तो कितने डिवाइजर्स हो गए, टोटल 3 डिवाइजर्स हो गए। तो डिवाइजर्स ऑफ 4 इज, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 4 इज 3, सो 4 टू द पावर 3 बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या, 4 की पावर 3, दैट इज 4 की पावर 3, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 2 पावर 1 बाय 2 है ना, 3 चला गया तो 1 बाय 2 एज इट इज बचा, और स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8, ठीक है। सो हमारा RHS आ गया 8, और हमने LHS भी कंसिडर किया था, तो हमारा LHS भी कितना आया था, 8 आया था, दैट मीन्स दैट पाए ऑफ डी डिवाइड्स एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन टू द पावर डी बाय एन बाय 2,
इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ये होल्ड करता है, ये ट्रू है, ठीक है। अभी हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा, अभी हम इसका जनरल प्रूफ देंगे, ठीक है। सो हम जनरल प्रूफ देंगे इसका अभी, तो कंसिडर करो आप, इसका भी हम जनरल प्रूफ देंगे, ठीक है। सो पाई ऑफ डी ये हमें प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें हम कंसिडर करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास जो n है, let n be a positive integer, ठीक है। तो सपोज मतलब मान लेते हैं कि जो n है हमारे पास उसकी नंबर ऑफ डिवाइजर्स फिक्स है, उसको हम k मान लेते हैं। सपोज d of n इज k, दैट इम्प्लाइज दैट n has k divisors, तो k divisors है, तो मान लेते divisors कौन कौन से होंगे, d1 होंगे, d2 होगा, d3 होगा, dot 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 up to dk, मतलब total number of divisors कितने हो गए, k हो गए, जैसे कि 1, 2, 3 आप गिनेंगे तो k हो जाएंगे, number of divisors हमारे ये होते हैं, d of n होता है, तो total हो गए k, ठीक है। तो number of divisors कितने हो गए, हमने k assume किया है, तो आप मुझे बताइए, सो n अपॉन d1 कॉमा n अपॉन d2 कॉमा n अपॉन d3 डॉट 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 अप टू डी n अपॉन dk आर ऑल्सो डिवाइजर्स ऑफ n, ये भी डिवाइजर्स ऑफ n होंगे। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 12 है, 12 के डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो डी ऑफ 12 हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब इसे डिवाइजर्स कौन है, इसको मान लेते हैं d1 d2 d3 d4 d5 एंड d6, तो मैं कह रहा हूँ n अपॉन d1 n अपॉन d2 डॉट 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 n अपॉन dk, dk here is d6 इज ऑल्सो डिवाइजर्स, चेक कर लेते हैं। सो n अपॉन d1, d1 इज 1, n इज 12 अपॉन 1 दैट इज 12 अपॉन d2 2, 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा 12, 2, 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये जो डिवाइड करने पे आया ये खुद ये नंबर्स आए 2 है, अच्छा 1, 12 अपॉन 12 रह गया, दैट इज 12 अपॉन 12 दैट इज 1, तो 1 देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, मतलब उल्टे में है, मतलब ये भी जो ये जो नंबर है ये भी खुद भी डिवाइजर्स होंगे n के। तो वही कंसेप्ट लगा के हमने बोला कि n अपॉन d1, n अपॉन d2, n अपॉन d3 अप टू n अपॉन dk आर ऑल्सो डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे LHS पार्ट, कंसिडर LHS दैट इज पाए d डिवाइड्स n d, दैट मीन्स दैट हमें प्रोडक्ट करने हैं डिवाइजर्स के, तो डिवाइजर्स हमारे कौन कौन से थे, d1 था इंटू d2 डॉट 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 dk, विच इज सेम एज, इसके और एक डिवाइजर्स कौन है, ये सब है, विच इज सेम एज n अपॉन d1 इंटू n अपॉन d2 डॉट 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 n अपॉन dk, ठीक है। इसे हम LHS नाम को दे देते हैं, तो हमारा ये पार्ट हो गया पाए d अपॉन d डिवाइड्स n, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे RHS पार्ट, कंसिडर RHS पार्ट, सो RHS पार्ट हमारा कंसिडर हम RHS पार्ट नहीं, हम कंसिडर सिर्फ ये करेंगे, क्या है हमारा n टू द पावर d बाय n, ठीक है। सो n टू द पावर, हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n कितने हैं, k है, हमने जो सब अज्यूम किया है, तो यहाँ पे n टू द पावर k, दैट मीन्स दैट n into n डॉट 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 n कितनी टाइम्स, k टाइम्स, सो ये जितना भी रिपीट हुआ है सब k टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। सो हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, n अपॉन d1 से मल्टीप्लाई किया और d1 से डिवाइड किया, सिमिलरली d2 से मल्टीप्लाई किया और d2 से डिवाइड किया, डॉट 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 सबके साथ ऐसे ही करेंगे, तो लास्ट में n है, तो हमने dk से मल्टीप्लाई किया और dk से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो अभी हमारा n अपॉन d1 एक साथ ले लिया, n अपॉन d2 इसको भी एक साथ ले लिया,
डॉट 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 एन अपॉन डी के, ठीक है, जितने ब्रैकेट वाले टर्म्स इनको एक साथ ले लिया और रिमेनिंग टर्म्स हम यहाँ लिख देते हैं डी वन इंटू डी टू इंटू डॉट 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 डी के। आपने एक थिंग ऑब्जर्व की, हम उसके जो डिवाइजर्स थे प्रोडक्ट में और इसके प्रोडक्ट में सेम थे, जिस तरह हमने इसको इससे रिप्लेस किया उसी तरह ये इसका पूरा प्रोडक्ट और ये पूरा प्रोडक्ट वन एंड द सेम। तो ये हमारा बन जाएगा वन एन अपॉन डी वन का होल स्क्वायर एन अपॉन डी टू का होल स्क्वायर डॉट 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 एन अपॉन डी के का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम होल स्क्वायर दे देंगे, सो एन टू दी पावर डी बाय एन हमने कंसिडर किया था दैट इज इक्वल्स टू एन अपॉन डी वन इंटू एन अपॉन डी टू डॉट 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 एन अपॉन डी के टू दी पावर होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एन टू दी पावर डी बाय एन बाय टू दैट इज सेम एज एन अपॉन डी वन इंटू एन अपॉन डी टू डॉट 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 एन अपॉन डी के, ठीक है। आप पीछे देखेंगे ये हमारा जो टर्म है ये सब क्या है, असल में ये सब एल एच एस है। हमने जो पीछे हमने यहाँ पे इसलिए बोला था यहाँ पे एल एच एस हम कंसिडर किया था, है ना, एन अपॉन डी वन एन अपॉन डी टू डॉट डी के दैट इज पाए डी और डी अपॉन एन, तो हम इसको इससे एल एच एस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। सो देखा जाए तो प्रूफ हो चुका है, सो एन टू दी पावर डी बाय एन बाय टू इज सेम एज पाए डी एंड डी डिवाइड्स एन हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा हमने इसको प्रूफ कर दिया है।